Press the subscribe button and click on the bell icon to receive all the latest updates. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुणाल एंड वेलकम टू द फोटोग्राफी ब्लॉगर। और आज हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो है कुछ ऐसी 6 टिप्स मोबाइल फोटोग्राफी के बारे में जो आपको हेल्प करेंगी लो लाइट कंडीशंस में फ़ोटोग्राफ करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा क्या टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करोगे तो आप अगर ऐसे सिचुएशन में हो, लेट्स से इवनिंग टाइम में, नाइट टाइम में या ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे लाइटिंग कम होती है और अगर आप नॉर्मली फ़ोटो क्लिक करोगे आपको शायद शेक आएगा फ़ोटोज़ में या कहीं ग्रेन्स आए फ़ोटोज़ में, तो उस सब को ओवरकम करने के लिए हम आज 6 टिप्स देखेंगे। उससे आपको हेल्प होगा और आप बेटर शार्प फ़ोटोज़ और क्लियर फ़ोटोज़ लेने के लिए आप एक तरह से मैं बोल सकता हूँ रेडी हो जाएंगे। तो चलिए साथ में सीखते हैं। अब जो पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है ये 6 लो लाइट मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स की सीरीज़ में, वो है कि आपको मैनुअल मोड यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हो। अगर आपको कहीं ना कहीं नहीं पता कि मैनुअल मोड क्या होता है तो मैं ऊपर कार्ड डाल दूंगा, आप पहले वो थोड़ा देख सकते हैं वीडियो को, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि मैनुअल मोड क्या होता है। तो यूजुअली स्मार्टफोन्स में प्रोफेशनल मोड या प्रो मोड के नाम से मैनुअल मोड होता है। तो मैनुअल मोड में क्या होता है, बेसिकली आपको पूरा लिबर्टी है, आप अपने हिसाब से शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, फोकस पॉइंट, ये सब चीज़ें आप अपने आप सेट कर सकते हो। और ये बहुत ज़रूरी है खासकर जब आप लो लाइट कंडीशंस में शूट कर रहे हो, बिकॉज़ वहाँ पे ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी लाइटिंग होती है जहाँ आपका जो मोबाइल कैमरा है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है और आपको या तो ओवर एक्सपोज फ़ोटो देगा या अंडर एक्सपोज फ़ोटो या कहीं ना कहीं आपकी फ़ोटोज़ में ग्रेन्स आ जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको कंट्रोल करने के लिए फर्स्ट टिप है कि आपको मैनुअल मोड में स्विच करना पड़ेगा। और आजकल मोस्टली सारे स्मार्टफोन्स में आपको एक प्रो या मैनुअल मोड मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कैमरा ऐप में जाना है, वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं जहाँ आप मोड सेलेक्शन ऑप्शन होती है वहाँ से आपको प्रो या मैनुअल मोड सेलेक्ट करना है एंड दैट्स इट। उसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पे। तो जो सेकेंड टिप है यहाँ पे, पहला तो हो गया आप मैनुअल मोड में आए। अब मैनुअल मोड में आगे जितने भी मैं टिप शेयर करूँगा वो सारे इससे रिलेटेड हैं। तो ये जो सेकेंड टिप है ये है स्लो शटर स्पीड। तो यहाँ पे अगर आप लो लाइट कंडीशन में शूट कर रहे हो, कम लाइट है, अवेलेबल लाइट जो भी है वो कम है, ठीक है, अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, आपको मैक्सिमम लाइट कैमरा के अंदर चाहिए ताकि आपकी जो फोटोज़ हैं वो प्रॉपरली एक्सपोज्ड हों और कहीं ना कहीं वो अंडर एक्सपोज ना आए। अब उसके लिए आपको शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और वो डिपेंड करता है कि कितनी लाइटिंग कंडीशंस हैं और आप क्या शूट कर रहे हो। लेट्स से आप नॉर्मली एक मॉन्यूमेंट या कुछ बिल्डिंग रात को शूट कर रहे हो, ठीक है, आपको लेट्स से 1 या 2 सेकंड का शटर स्पीड रखना पड़ेगा ताकि आपको उतना अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगी, आपकी फ़ोटोज़ डार्क ना आए। अब अगर आप लेट्स से लाइट रील्स आपको शूट करने हैं कुछ इस तरह से, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हो लाइट रील्स हो गया, या कहीं ना कहीं आपको कुछ क्रिएटिव यूज़ करना है लाइटिंग के साथ, तो वहाँ पे आप शटर स्पीड थोड़ा और स्लो कर सकते हो, लेट्स से 3 सेकंड, 4 सेकंड, 10 सेकंड या जितना भी आपका मोबाइल कैमरा अलाउ करता है। तो ये हो गया आपका सेकंड टिप जहाँ पे आपको शटर स्पीड जो है वो कहीं ना कहीं स्लो करना पड़ेगा डिपेंडिंग कि आप क्या कैप्चर कर रहे हो। अब जो थर्ड टिप है वो है कि आपको जो ISO यूज़ करना है वो आपका जो मोबाइल कैमरा मैनुअल मोड में जो भी मिनिमम ISO आपको प्रोवाइड करता है, लेट्स से वो 100 हो सकता है या 50 भी हो सकता है डिपेंडिंग आप कौन सा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, तो ट्राई एंड कीप इट टू मिनिमम ISO पॉसिबल, ताकि उससे होता क्या है, जितना कम ISO होगा उतने आपके फ़ोटोज़ में ग्रेन्स कम आएंगे और क्लैरिटी ज़्यादा मिलेगी आपको। कहीं ना कहीं अगर आप ISO 200 या 400 पे शूट करेंगे तो आप देखोगे कि डार्क एरियाज़ में या स्काई में आपको ग्रेन्स दिखेंगे या कहीं ना कहीं वो वाइट डॉट्स दिखते हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप ISO छोटा सेलेक्ट कीजिए, मिनिमम जो भी आपके कैमरा में अवेलेबल है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ISO हम हाई सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको लाइट ज़्यादा मिलती है कैमरा के अंदर, तो हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अगर आप हाई ISO सेलेक्ट करोगे तो आपकी इमेज क्वालिटी डिग्रेड होती जाती है, तो आप ISO मिनिमम रखिए, शटर स्पीड आप हमेशा इंक्रीज़ कर सकते हो और उससे आपके कुछ इमेज में ग्रेन्स नहीं आ रहे हैं या कहीं डिग्रेड नहीं हो रही क्वालिटी, तो इट्स बेटर आप ISO मिनिमम सेलेक्ट करो
और उसकी जगह आप शटर स्पीड को थोड़ा बढ़ा दो ताकि आपकी इमेज क्वालिटी जो है वो डिग्रेड ना हो और आपको एकदम शार्प और क्लियर फोटोज़ मिले। अब जो फोर्थ टिप है वो है कि आपको जो फोकस करना है अपने सब्जेक्ट पे वो मैन्युअली करना चाहिए। मैन्युअली क्यों? लो लाइटिंग कंडीशंस में यूजुअली जो आपका मोबाइल कैमरा है हो सकता है वो अच्छे से फोकसिंग ना करे, एक्यूरेटली फोकसिंग ना करे, उतना फास्ट फोकसिंग ना करे, तो आप मैनुअल मोड में आप ऑलरेडी हो ही। अब वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है जहाँ आप मैनुअली फोकस डिस्टेंस सेट कर सकते हो, तो आप मैनुअली कीजिए। लेट्स से आप कुछ ऐसी बिल्डिंग्स या मॉन्यूमेंट्स का कर रहे हो जो 20 या 30 फीट दूर हैं आपके कैमरा से, तो उस केस में आपको इतना एक्यूरेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैनुअल फोकस को एकदम एंड में सेट कर दीजिए, जो इन्फिनिटी भी हम बोलते हैं, वहाँ पे आपको शार्पनेस मिल जाएगी। बट अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा पास है तो आप मैनुअली उस स्केल पे ऊपर नीचे करके, आपकी स्क्रीन इतनी बड़ी होती है फ़ोन की, आपको इजीली दिख जाएगा कि कहाँ आपका सब्जेक्ट फोकस में हो रहा है, तो आप वहाँ मैनुअली फोकस करके छोड़ दीजिए। अब इसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि लो लाइटिंग कंडीशंस में स्मार्टफोन कैमरा कहीं बार इतना एक्यूरेटली फोकस नहीं कर पाता और हो सकता है वो हंट करता रहे फोकस को और उस चीज़ में आपका जो मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाए। अब जो फिफ्थ टिप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास ये नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ ट्राईपॉड की, तो अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है और आप लो लाइटिंग कंडीशंस में शूट कर रहे हो जहाँ पे आप मैनुअल मोड पे हो, शटर स्पीड आप स्लो यूज़ कर रहे हो और ISO आपने मिनिमम रखा हुआ है, अब अगर आपके पास ट्राईपॉड नहीं है तो आप अगर हैंडल शूट करोगे तो वो ऑब्वियसली शेक आएगा फ़ोटो में। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक ट्राईपॉड में इन्वेस्ट कीजिए। ज़रूरी नहीं है आपको 5 या 10 हज़ार का ट्राईपॉड लेना है, ऐसे काफ़ी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं। आपको मैं कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको बड़ा ट्राईपॉड चाहिए, आप इजीली 900 या 1000 रुपीज़ से स्टार्टिंग में आपको मिलता है, और अगर आपको टेबल टॉप ट्राईपॉड चाहिए जो थोड़ा छोटा सा आता है, अभी मेरे पास आसपास है नहीं तो मैं दिखाता, मैन फोटो का पिक्सी आता है, 1000 का भी मॉडल है, 3000 का भी मॉडल है, तो वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक आपको बेसिक ट्राईपॉड चाहिए जो आपके कैमरा को स्टेडी होल्ड कर सके, और एक क्लिप जो आता है जो फ़ोन को होल्ड करता है वो भी आपको चाहिए होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर शूट कर रहे हो लो लाइट में। अब जो ये सिक्स्थ और लास्ट टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ अगर आप ये यूज़ करते हो तो आपकी फ़ोटोज़ में शेक आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। तो हमने जैसे अभी बात करी ट्राईपॉड की जहाँ आपका कैमरा स्टेडी रहेगा, अब जो हम सिक्स्थ टिप की बात कर रहे हैं वो है टाइमर। आपको मिनिमम 2 सेकेंड टाइमर ज़रूर सेट करना चाहिए। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। लेट्स से आपने फ़ोन रखा हुआ है और आप उस पर टैप करते हैं फ़ोटो क्लिक करने के लिए, तो जैसे आप टैप कर सकते हैं हो सकता है हल्का सा मूवमेंट हो आपके फ़ोन में, और वो हल्का सा मूवमेंट कहीं ना कहीं आपकी शार्पनेस पे इफेक्ट करेगा फ़ोटो की। तो इट्स बेटर आप 2 सेकेंड टाइमर लगाओ, आप टैप करो तो आपके फ़ोन को 2 सेकंड का टाइम मिल रहा है स्टेबल रहने के लिए, उसके बाद आपका फ़ोन फोटो लेना स्टार्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी 6 मोबाइल फोटोग्राफी टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी लो लाइट कंडीशन में फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए, और इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपको काफ़ी क्लियर, शार्प और बिना ग्रेन के फ़ोटोज़ मिलेंगी। तो अगर आपको ये टिप्स हेल्पफुल लगी आप इसे शेयर कीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पे, कहीं भी अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट जो नॉलेज है वो स्प्रेड हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आप अपने सजेशंस देना चाहते हैं, कुछ भी हो, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।